Hello everyone, welcome to my channel Let's Learn. Today I am going to teach you mixed number multiplication in Vedic maths. Mixed number here means below and above base numbers. पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि बिलो बेस और अबव बेस नंबर कैसे होते हैं. जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था 9 into 2, ये दोनों नंबर्स 10 से कम है. दोनों ही नंबर 10 के पास आते हैं तो हम इसका बेस लेंगे 10, दोनों कम है. अब 14 into 12, दोनों नंबर 10 के पास आते हैं तो हम इसका बेस भी 10 ही लेंगे और दोनों ही अबव है बेस से. तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया बिलो बेस मल्टीप्लीकेशन और ये हमारा एग्जाम्पल हो गया अबव बेस मल्टीप्लीकेशन. पर आज हमारा जो टॉपिक है वो है अबव एंड बिलो, दोनों मिक्स करके देखते हैं. तो हमारे नंबर्स क्या हो गए यहाँ पे 14 and 9, बेस हमारा क्या हो गया यहाँ पे 10, क्योंकि दोनों ही नंबर 10 के पास आते हैं. नंबर माइनस बेस 14 minus 10 plus 4, 9 माइनस 10 माइनस 1, माइनस का साइन है नंबर और बेस के बीच में. डेविएशन कितना हो गया याद रखना, डेविएशन वो होता है जितना डिफरेंस इनके बीच में आता है. तो हमारा यहाँ पे हम लिख देंगे 14 minus 10 and 9 minus 10, डेविएशन हो गया +4, यहाँ पे हो गया -1. ये सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए था. अब हम सारा जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट फॉर्म में करेंगे. ये हमारा क्वेश्चन है. अब डेविएशन आपको मन में रखना है, आपको पता चल गया इसका बेस क्या होगा 10 होगा, डेविएशन कितना होगा +4, क्योंकि 14 minus 10, इसका बेस क्या होगा 10, नंबर माइनस बेस, तो आ गया यहाँ पे डेविएशन -1. यहाँ पे हमें छोटा सा स्लैश लगा लेंगे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 4 into 1 4. अब यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे क्रॉस सब्ट्रैक्शन एंड क्रॉस एडिशन दोनों के केस मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पे कुछ भी करेंगे आंसर सेम ही आएगा. 14 minus 1 13, 9 plus 4 13, यहाँ पे लिख देंगे हम 13. अब मैं यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता रही हूँ, जब राइट हैंड साइड पे नेगेटिव होगा तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को एक नंबर डिक्रीज कर देंगे, तो वो हो गया 12. और 4 का जो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर होगा, अब मैं बताती हूँ कॉम्प्लीमेंट्री नंबर क्या होते हैं. जैसे यहाँ पे 4 है तो हम 4 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा जो आंसर आए वो 10 आए. 6, 5 में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर 10 आए 5. तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री नंबर हो गए. मतलब जैसे अगर हमारा यहाँ पे 1 होता तो हम 1 में 9 ऐड करते 10 लाने के लिए, तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर लिख देंगे 126. सो द प्रोडक्ट ऑफ 14 into 9 इज 126. होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका. यहाँ पे लिख देंगे हम 13 into 4. मैं वैसे भी कर सकती हूँ पूरा नंबर बेस डेविएशन सब कुछ लिख के, लेकिन उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा एग्जाम्स में, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में कर रही हूँ. इसका बेस क्या होगा 10 बेस, क्योंकि दोनों ही 10 के क्लोज है. नंबर माइनस बेस क्या हो गया डेविएशन +3, नंबर माइनस बेस डेविएशन क्या हुआ यहाँ पे -6, छोटा सा स्लैश, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 6 into 3 18. यहाँ पे क्रॉस सब्ट्रैक्शन क्रॉस एडिशन, 4 plus 3 7, 13 minus 6 7. हम वो वाला करेंगे ना जो हमको इजी लगता है, तो 4 plus 3 7. अब यहाँ पे देखो एक चीज डिफरेंस है, अब 10 में कितने जीरो होता है 1, तो हमें जो पीछे वाले जो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है ना, ये हमें सिंगल डिजिट ही चाहिए, तो हम इस 1 को एक कैरी ओवर दे देंगे. अब ये 1 नेगेटिव है तो यहाँ पे हो गया क्या 6 8, स्लैश में चलेगा अभी सारा. अब ये 8 भी नेगेटिव था, मतलब हमने पूरा -18 नेगेटिव था,
माइनस वन हमने इसको कैरी दे दिया और माइनस एट अभी हमारे पास बचा है, तो हम इसको एक नंबर और कम कर देंगे, तो ये हो गया फाइव और एट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है टू. सो आर आंसर हेयर इज आर नेक्स्ट एग्जाम्पल. फिर से शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों का बेस क्या हो गया 10, नंबर माइनस बेस क्या आया प्लस का 4, डेविएशन आ गया हमारा यहाँ पे, नंबर माइनस 10 तो यहाँ पे डेविएशन क्या आया माइनस 8. स्लैश लगाएंगे, 8 फोर जा 32, 2 प्लस 4 6 होता है, 14 माइनस 8 6 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों का बेस 10 है, तो हमें जो डेविएशन का प्रोडक्ट है उसमें भी सिंगल डिजिट चाहिए. यहाँ पे सिंगल जीरो है मतलब बेस के पास जितने जीरो होंगे उतने ही डेविएशन में डिजिट्स होंगे, तो हम 3 इसको कैरी ओवर कर देंगे, तो माइनस का 3 6 माइनस 3 कितना हुआ 3 स्लैश माइनस 2, माइनस का 32 था, माइनस 3 उधर चला गया, माइनस 2 अभी भी है, तो यहाँ पे एक डिजिट और कम कर देंगे 2 और 2 का कॉम्प्लीमेंट्री 8. सो द आंसर फॉर प्रोडक्ट ऑफ 14 इंटू 2 इज 28. अब हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लीकेशन विद बेस 100. अभी तक हमारा बेस 10 चल रहा था, अब हमें 100 चाहिए, तो हम बिलो बेस लेंगे पहले. बिलो बेस नंबर्स क्या होंगे, 97 इंटू 98, यहाँ पे लिख लेते हैं 97 मल्टीप्लाइड बाय 98. इसका बेस 100, इसका बेस भी 100, तो नंबर माइनस बेस यहाँ पे डेविएशन कितना हो गया माइनस 3, नंबर माइनस बेस यहाँ पे डेविएशन हो गया माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 स्लैश, यहाँ पे हमारा दोनों ही क्रॉस सब्ट्रैक्शन है, 98 माइनस 3 95. अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाला डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि राइट हैंड साइड में माइनस नहीं है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो हमारा बेस है उसमें 2 जीरो है, तो हमें जो डेविएशन का मल्टीप्लीकेशन है उसमें भी 2 डिजिट चाहिए, तो हम यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, तो इसका आंसर हो गया 9506. एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 93 मल्टीप्लाइड बाय 91, दोनों का बेस 100 है, नंबर माइनस बेस इज इक्वल टू माइनस 7, यहाँ पे डेविएशन हो गया, नंबर माइनस बेस यहाँ पे डेविएशन हो गया माइनस 9, स्लैश लगा देंगे बीच में, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 97 जा 63 क्रॉस सब्ट्रैक्शन, दोनों ही क्रॉस सब्ट्रैक्शन है, 93 माइनस 9 कितना हुआ 84, अब हमारा बेस में 2 जीरो है और डेविएशन के प्रोडक्ट में भी 2 जीरो है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया 8463. अब हम करेंगे अबव बेस, अबव बेस नंबर क्या होगा 103 इंटू 104, 103 मल्टीप्लाइड बाय 104, दोनों का बेस क्या हो गया 100, नंबर माइनस बेस डेविएशन कितना हो गया प्लस 3, नंबर माइनस बेस डेविएशन हो गया प्लस 4, स्लैश लगाया, प्लस 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 होता है, 4 3 जा 12, क्रॉस एडिशन है दोनों में, 104 प्लस 3 107, बेस में 2 जीरो डेविएशन के प्रोडक्ट में भी 2 डिजिट, तो इसका आंसर हो गया 10712. सो द आंसर फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 103 इंटू 104 इज 10712. 107 इंटू 110, दोनों का बेस 100 होगा, अब थोड़ा जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को, 107 इंटू 110, इसका डेविएशन प्लस 7, इसका डेविएशन प्लस 10, स्लैश लगाया,
70, cross addition 117. So आंसर आपके सामने है 11770. होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. अब ये तो थे हमारे जनरल मेथड. अब हम करेंगे कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स. जनरल मेथड वो होते हैं जो हर क्वेश्चन पे अप्लाई होते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कोई भी डिजिट ले लें, उसे 100 बेस लेके कोई किसी भी डिजिट को सॉल्व कर सकते. लेकिन अब करेंगे हम कुछ ट्रिक वाले क्वेश्चंस. इसे हम सिर्फ उन क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हैं जिसकी मल्टीप्लीकेशन 525 या 125 से हो रही हो. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, 4 3 2 6 7 2 मल्टीप्लाइड बाय 5. इस क्वेश्चन में याद रखना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 2 से. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 3 2 6 7 2. हम 2 इसके नीचे लिख सकते हैं और 5 × 2 अलग लिख सकते हैं. वैसे भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे क्वेश्चन पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं. अब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया 2 1 6 3 3 6. और ये तो हमारा 10 है ही, 5 × 2 10 होता है. तो हमारा आंसर हो गया इसका 2 1 6 3 3 6 0. था ना ये इजी. 4 3 2 7 मल्टीप्लाइड बाय 5. अब 5 आ गया, इसमें भी हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे. 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड. अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 3 2 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 × 2. इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो गया 2 1 6 3.5. अब इसका क्या होता है, 5 × 2 तो 10 ही होता है. अब हमें पता है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे जो पॉइंट है वो राइट की तरफ खिसक जाता है, और जब डिवाइड करते हैं तो वो लेफ्ट की तरफ आता है. तो 10 आया, 10 से हम मतलब अब आप यहाँ पे आपका आंसर हो गया 6 3.5 × 10. तो आपका पॉइंट इधर खिसक जाएगा और 10 कट जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 2 1 6 3 5. मैंने आपको दोनों का मल्टीप्लीकेशन बता दिया, 5 से इवन का भी और ऑड का भी. अब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन विद 25. 4 3 2 7 6 मल्टीप्लाइड बाय 25. इसमें हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन 2 से नहीं करेंगे, 4 से करेंगे. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 4. इसको हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, 4 को अगर हम ब्रेक करके लिखेंगे तो क्या हो गया, 2 × 2 एंड 25 × 4 आ गया यहाँ पे. अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 6 3 8. तो हम इसको फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, 10 8 1 9. और 25 × 4 हमारा क्या होता है, 100. तो यहाँ पे आंसर हो गया 1081900. कितना सिंपल था. अब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन विद 125. 125 में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे बाय 8. तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 4 2 6 4 मल्टीप्लाई बाय 125. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 अपॉन 8. इसको मॉडिफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6 4 अपॉन 2 × 2 × 2 × 125 × 8. अब 125 × 8 वो होता है 1000. अब इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 1 3 2. इसको भी कर लेंगे 2 0 6 6. इसको भी कर लेंगे 5 3 3. तो इसका आंसर हो गया हमारा 5 3 3 000.
Now we will do multiplication with 11, 12 and 13. इसकी भी tricks होती हैं। यहाँ पे मैं आपको example देके बताती हूँ। 123 into 11. हम पहली और last के digit same लिख देंगे 1, 3. अब हमारा rule लगेगा यहाँ पे 1 plus 2, 3, 2 plus 3, 5. है ना easy? और examples लेते हैं 6, 7, 8, 9, 2 into 11. 6 or 2 as it is 6 plus 7, 13. तो हम 3 यहाँ पे लिखेंगे 1 carry over 7 plus 8, 15. 5 यहाँ पे 1 carry over 8 plus 9, 17. 7 यहाँ पे 1 carry over 9 plus 2, 11. 1 यहाँ पे 1 carry over. Don't forget to add on these carryovers. 6 plus 1, 7. 3 plus 1, 4. 5 plus 1, 6. 7 plus 1, 8. 1, 2. तो ये आ गया हमारा 6, 7, 8, 9, 2 into 11 का आंसर. थर्ड एग्जाम्पल 7, 8, 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 11. लास्ट डिजिट सेम 7, 2, 7 plus 8 is equal to 15. 5 यहाँ पे 1 कैरी ओवर 2 plus 3, 11. 1 यहाँ पे 1 कैरी ओवर 3 plus 2, 5. हम कैरी ओवर्स को ऐड कर देंगे 8, 6, 1, 5, 2. सबको क्लियर हो रहा होगा? नहीं हो रहा तो रिवाइंड करके फिर से देखो 6, 3, 2, 4, 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 11. 6 एज इट इज 2 लास्ट डिजिट एज इट इज 6 plus 3, 9. 3 plus 2, 5. 2 plus 4, 6. 4 plus 7, 11. 4 plus 7, 11. और यहाँ पे 7 plus 2, 9. अब हम कैरी ओवर्स को एड ऑन कर देंगे. यहाँ पे हो गया 6, 9, 5, 7, 1, 9, 2. अब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन विद 12. 123 मल्टीप्लाइड बाय 12. पहला डिजिट सेम, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट डिजिट ऐड कर देंगे. फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड नेक्स्ट डिजिट ऐड ऑन. 1 एज इट इज लिखा, 2 into 1, 2 plus 2, 4. 2 into 2, 4 plus 3, 7. एंड 2 into 3, 6. अब हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लीकेशन विद 13. 123 मल्टीप्लाई बाय 13. फर्स्ट डिजिट एज इट इज, फर्स्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से एंड नेक्स्ट नंबर एड ऑन. तो 3 plus 2, 2, 5. 3 into 2, 6. प्लस 3 is equal to 9. 3 into 3, 9. सब में यही रूल फॉलो होगा. अब यहाँ पे देखिए, हम 13 से मल्टीप्लाई कर रहे थे इसलिए हमने इसका 3 यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई किया और नेक्स्ट डिजिट एड ऑन. जब हम यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमने 12 का 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और नेक्स्ट डिजिट ऐड किया. हम 11 में भी यही कर रहे थे लेकिन लास्ट डिजिट 1 थी तो हमें फर्क नहीं पड़ रहा था. हम 1 से मल्टीप्लीकेशन किसी डिजिट की करते हैं तो वो सेम ही रहती है. आप इन तीनों क्वेश्चन को ट्राई करिए. इससे कि आपको पता लगे कि आपको टेक्निक अच्छे से आई है या नहीं. और वो 5, 25 एंड 125 वाले क्वेश्चन भी आप ट्राई करते रहिएगा. बस मैथ्स
चाहे वो मॉडर्न मैथ्स हो या वैदिक मैथ्स हो, प्रैक्टिस मांगता है. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी मैथ स्ट्रांग होगी. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और क्वायरी रिगार्डिंग दीज मेथड्स और क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी बाय कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.